एक दुखद घटना है। इस तरीके से जहरीली शराब के कारण कई जाने गई हैं, कई परिवार तबाह हुए हैं। सबसे पहले मैं मृतकों के प्रति। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। बिहार में जहरीली शराब कांड का तांडव एक बार फिर से मच गया है। छपरा, सिवान, गोपालगंज के इलाके में पिछले एक हफ्ते से जो तांडव मचा है, इसको लेकर के एनडीए गठबंधन परेशान है। कई आरोप एनडीए गठबंधन पर लग रहे हैं। नीतीश कुमार पर कई आरोप लग रहे हैं कि आखिरकार नीतीश कुमार क्यों नहीं इस पर कुछ काम कर रहे हैं। क्या नरेंद्र मोदी भी बिहार में हुई जहरीली शराब कांड की वजह से परेशान है? क्या शराब पर एक नई नीति बनेगी? क्या शराब को लेकर समीक्षाएं की जाएंगी? जब दिल्ली से राजधानी पटना पहुंचे हैं चिराग पासवान, तो उन्होंने इस पर चिंता जाहिर की है कि वाकई में ये एक दुखद घटना है। क्या कह रहे हैं चिराग पासवान, मोदी का संदेश लेकर क्यों पहुंचे हैं बिहार में, क्या होने वाला है, जरा सुनिए। सबसे पहले ये एक दुखद घटना है। इस तरीके से जहरीली शराब के कारण कई जाने गई हैं, कई परिवार तबाह हुए हैं। सबसे पहले मैं मृतकों के प्रति अपनी तरफ से, अपनी पार्टी की तरफ से मैं संवेदना व्यक्त करता हूं। वहीं इस मामले में जिस तीव्रता से जांच की जा रही है, एसआईटी का गठन करके जिस तरीके से गिरफ्तारी इसमें की जा रही है, ये हमारी सरकार की गंभीरता को भी दर्शाता है कि इस मामले को कतई हल्के में नहीं लिया जाए और जो भी लोग इसमें दोषी हैं, भले वो जहरीली शराब के आयात को लेकर हो या उसके अवैध निर्माण को लेकर, किसी को भी इसमें बख्शा नहीं जाएगा। अगर इसमें स्थानीय प्रशासन में भी किसी की भी मिली भगत है, उन लोगों के ऊपर भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। अंतोगत्वा बिहार में मौजूदा एनडीए की सरकार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में ये जो घटना घटी है, इसको लेकर पूरी गंभीरता से जांच भी की जा रही है और दोषियों के ऊपर कार्रवाई भी की जा रही है, ताकि भविष्य में इस तरीके की घटना दोबारा ना घटे। देखिए, फिलहाल पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी, तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओ जे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुवा मुफ्त में मिल जाई। अगर रुवा पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी, तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली, 9386816700। धन्यवाद।